गाइस, दिस इज फैजान। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू नैनीताल एंड आज अपना हम वेरी फर्स्ट ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। एंड साथ में मेरे हैं दो दोस्त हैं, एक है सैफ भाई जो कि आई ड्राइविंग कर रहे हैं और पीछे बैठे हुए हैं अनस भाई। आज नैनीताल जा रहे हैं, अभी हम निकले हैं अराउंड अभी बजे सुबह के 6 सवा 6 करीब हो रहे हैं। अभी देखो आज नैनीताल जाना है, वहाँ चेकिंग वगैरह चल रही है। अब रास्ते में काठगोदाम की तरफ से हम जाएंगे, रास्ते में नाक वगैरह पड़ेगा, चेकिंग हो रही है, सारी प्रिपरेशन कर लिया है, COVID-19 की रिपोर्ट वगैरह हमने करा ली है, ई पास वगैरह बनवा लिया है। अब तो गाइस अभी हम पहुँचे हैं बाजपुर पे और यहाँ पे एंट्रेंस पे चेकिंग हो रही है। नाउ वी आर गोइंग टू अपनी एंट्री कराने के लिए हम जा रहे हैं। कोरोना की रिपोर्ट हमारी हमें दिखानी है एंड रिपोर्ट के साथ साथ एंट्री करानी है। रिपोर्ट के साथ साथ आपका हमने ई पास जो बनवा रखा है वो हमें एंटर कराना है। यहाँ पे लाइन लगी हुई है रिपोर्ट की और रिपोर्ट चेक करा करके ई पास दिखा करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। गाइस अभी हम लाइन में लगे हुए हैं, काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे पूरा, और रजिस्ट्रेशन के लिए वेट कर रहे हैं, लाइन में खड़े हुए हैं, चेकिंग चल रही है, चल रहा है। एंट्री कराने के बाद फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। गाइस रजिस्ट्रेशन हमने करा लिया है, रजिस्ट्रेशन स्लिप वगैरह में मिल गई है एंड बाजपुर बॉर्डर हम आगे क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद अब नाउ हेड टू नैनीताल। गाइस अभी हम कालाडूंगी के बॉर्डर पे एंड यहाँ पे अभी दोबारा से चेकिंग के लिए रुके हैं। कुछ स्टैम्प वगैरह लगा रहे हैं यहाँ पे कार के ऊपर, कुछ पेस्टिंग वगैरह होगी एंड अभी सर ने कुछ पेस्टिंग वगैरह की है ये कार पे हमारी। जाइए नाउ भी सारा काम हो चुका है, अब आगे बढ़ते हैं। सब रूट फिलहाल खाली है, नाउ हेडिंग टुवर्ड्स मुक्तेश्वर। अभी हमारा प्लान चेंज हो गया, हम पहले मुक्तेश्वर जा रहे हैं अभी एंड रिटर्न में हम आएंगे फिर नैनीताल। लेट्स स्टार्ट। मैं रास्ते में ब्रेकफास्ट करने के लिए, अभी यहाँ पे थोड़ा सारा चाय वगैरह पियेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे। अभी बज चुके हैं अराउंड 7:30 हो रहे हैं नाउ, देन ब्रेकफास्ट करने के बाद आगे निकलेंगे। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं अराउंड नैनीताल के पास बॉर्डर पे हैं, नैनीताल ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं एंड बहुत ज़्यादा फॉग है यहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त सीन हो रहा है जुलाई के टाइम पे यहाँ पे, ऐसा शानदार सीन है, ऐसी ज़बरदस्त फॉग है। और अभी हम और ऊपर जा रहे हैं, जैसे हमने बताया हमारा मुक्तेश्वर का प्लान हो चुका है, पहले हम मुक्तेश्वर जाएंगे। तो अभी हमें और काफ़ी ऊपर जाना है लेकिन अभी हम नैनीताल के बॉर्डर पर हैं और बहुत ही ज़्यादा फॉग है, काफ़ी ठंडा मौसम है यहाँ पे कि आप नीचे देख रहे हो कि कुछ नहीं दिख रहा है ऑलमोस्ट, नहीं तो यहाँ पे काफ़ी नीचे तक का व्यू आता है वो फिलहाल कुछ नहीं आ रहा है। गाइस फाइनली हम मुक्तेश्वर पहुँच चुके हैं, गाड़ी अभी हमने पार्क करी है, गाड़ी पार्क करने के बाद अभी हम ऊपर पैदल जा रहे हैं। ऊपर पार्किंग के लिए जगह नहीं है, लगभग फुल हो चुके हैं ऊपर, तो अभी हम ऊपर पैदल जा रहे हैं। गाड़ी ऊपर से वापस आ रही है, ऊपर जगह नहीं है पार्किंग के लिए, अभी थोड़ा सारा हमें पैदल जाना पड़ेगा ऊपर। अभी ऊपर देखो बड़े जबरदस्त सीन है यहाँ पे,
अभी हम मंदिर वाले गेट में, मुक्तेश्वर मंदिर गेट में घुस करके अभी हम जा रहे हैं चौली की डाली की तरफ। यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है जिसे चौली की डाली कहा जाता है, उसके लिए पैदल रास्ता जाता है, आएगा पूरा रास्ता पैदल है, काफी पतला सा रास्ता है, पैदल नहीं चाहिए तो पैदल भी तो भाग रहे हैं नीचे उसमें, पैदल नहीं आ रही है, इधर इधर आ जाओ। नीचे सब खाई ही खाई है, एक बार जाएगा नीचे बंदा नीचे ऊपर नहीं आएगा कहीं और ही पहुंचेगा फिर अभी हम जा रहे हैं पैदल पैदल चौली की डाली की तरफ। अभी कुछ लोग दिखे हैं आगे और ये हम जंगलों में भटकते हुए चौली की जाली की तरफ बढ़ते हुए पतले पतले रास्तों से। एक बार तो बंदा लाइफ में जरूर है एडवेंचर करने के लिए। कुछ शानदार व्यूज हैं यहाँ से, कुछ पीसफुल ऐसा है व्यूज यहाँ से आते हैं कि बंदे का दिल खुश हो जाए। फर्स्ट टाइम आया हूँ फ्रेंड्स, बहुत ज़बरदस्त सीन है, ये बंदा आकर के पैसे वसूल हो जाएंगे ट्रिप के, बहुत ज़बरदस्त सीन है यहाँ पे। चौली की जाली पे आ चुके हैं हम, अभी यहाँ पे चौली की जाली पे थोड़ा सारा व्यू जिधर उधर से देखेंगे, यहाँ पे एडवेंचर चल रहा है। फोटो भी खींचो, कहाँ है कैमरा मेरा, क्या फोटोग्राफर बैठा है। जिप लाइन के एडवेंचर चल रहे हैं इधर, ये था हमारा जिपलाइन रोप, नाव चौली की जाली की जो एक्चुअल व्यूज हैं, ऊपर के काफी सारे माउंटेन व्यूज हैं वो देखते हैं। ऊपर तो काफी भीड़ लगी हुई है, ये है मुक्तेश्वर के चौली की जाली के एक्चुअल व्यूज। मजे लेने पे ये
चलिए फ्रेंड्स, तो अब चलते हैं वापस चौली की जाली की तरफ से। आगे और पॉइंट्स भी हैं मुक्तेश्वर में देखने के लिए, आगे भी वहाँ पहुँचते हैं। गाइस, अभी हम मुक्तेश्वर से वापस हो रहे हैं, रिटर्न हो रहे हैं, और रिटर्न होते में सिंगल लेन रोड है एंड यहाँ पे एक टूरिस्ट बस आ चुकी है जिसने पूरा ट्रैफिक लगा रखा है। बस के चक्कर में आगे नहीं जा पा रहे हैं, पूरा ट्रैफिक लगा हुआ है, आगे तक पूरा रोड ब्लॉक हो चुका है। ट्रैफिक पुलिस आए हुए हैं, खुलवाने की कोशिश चल रही है, पूरा रोड आगे ब्लॉक कर दिया। ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, लेट्स सी कब तक खुलता है। अभी मुक्तेश्वर के ट्रैफिक से हम निकले हैं, मुक्तेश्वर का ट्रैफिक खुला, अब मुक्तेश्वर का ट्रैफिक खुल गया है। यहाँ से आगे हम बढ़ रहे हैं, अभी हम नैनीताल की तरफ जा रहे हैं, ट्रैफिक खुल गया सिंगल लेन रोड का। अभी भी हम सिंगल लेन रोड पर ही हैं, ट्रैफिक खुल चुके हैं मुक्तेश्वर के लास्ट सीन। अब हेडिंग नैनीताल, नैनीताल चल करके मिलते हैं। गाइस, अभी हम मुक्तेश्वर से रिटर्न हो रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त हो रहा है एकदम, यहाँ पे आ चुका है रोड पे। अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और 7 बजे जैसे गौरव हो जाता है, ऐसा बिल्कुल ज़बरदस्त हो रहा है इस टाइम पे। और अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, अभी हम पहुंच चुके हैं नैनीताल एंड यहाँ पे पार्किंग की बहुत ज़्यादा कमी है, लाइक जगह नहीं है, पार्किंग ऑलमोस्ट फुल चल रही है सारी। तो नैनीताल क्रॉस करते हुए अब हम नैनीताल से स्टे नहीं करेंगे और स्टे नहीं करते हुए आगे निकल जा रहे हैं। नैनीताल घूम लिया, मॉल रोड की तरफ से उस हुए निकल गए, अब स्टे करने के लिए क्योंकि जगह नहीं है, पार्किंग की जगह नहीं है। तो अभी पेट्रोल पम्प पर हमने रिफिलिंग कराई है एंड अब हम आगे निकल रहे हैं, नैनीताल क्रॉस कर रहे हैं। अभी हम लोग पहुँचे हैं हल्द्वानी एंड नाउ हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए। अभी हम डिनर करेंगे और डिनर करने के बाद आज इस ब्लॉग को एंड कर देते हैं। तो अब फाइनली हम हल्द्वानी से घर आ चुके हैं अपने मुरादाबाद। काफ़ी गर्म टेम्परेचर है यहाँ पे आज और दिन भर की बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है, सो आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड नाउ। अब इस व्लॉग को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। अब होती है नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात, बाय।